पार्षद संघ क्षेत्रीय जनता ट्यूबवेल चालू कराने को बैठी नगर निगम में धरने पर। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 45 नगला विष्णु का है पूरा मामला। बताया नगर आयुक्त से हुई बात, नगर उपायुक्त व जीएम जलकल को मौके पर भेजा। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 45 नगला विष्णु के पार्षद राकेश यादव संघ क्षेत्र की जनता नगर निगम प्रांगण में धरने पर बैठ गई। पार्षद का आरोप था 15वें वित्त आयोग में ट्यूबवेल पास कराया था जिसके लगने से जनता में खुशी थी, पर उस पर काम शुरू होता इससे पहले ही मशीन हटवा ली गई, जिसको लेकर पार्षद व जनता का अपमान हुआ। मशीन लगवाकर ट्यूबवेल चालू कराने की मांग के चलते धरने पर बैठे हैं। पार्षद राकेश यादव का कहना था कि 15वें वित्त में एक ट्यूबवेल पास कराया था, ट्यूबवेल लगने से जनता में खुशी पहुंची, मशीन पहुंची, फिर मशीन को उठवा लिया गया, 2 दिन पहले आदेश किया ट्यूबवेल लगवाओ, फिर मशीन भी पहुंची, 5-6 लोगों ने फिर नगर निगम महापौर को भड़का दिया, फिर मौके से मशीन हटवा ली, इससे पार्षद का अपमान व जनता का अपमान हुआ। नगर आयुक्त कार्यालय में गए, नगर उपायुक्त व जीएम जलकल को मौके पर भेजा है। जब तक क्या कारण है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहन बेटी जनता पानी से परेशान है, पानी की समस्या व पानी सुविधा नहीं है। हम ये चाहते हैं जो हमारा मेंबर पानी की सुविधा करा रहे हैं तो रोको नहीं जाए, जहां पैसे लौट के आए हैं वहां पानी लगाना चाहिए। हम यही चाह रहे हैं क्योंकि 25 कौन सी जगह से लौट के आए हैं आप लोग? तत्वजी खुर्दा से, नहीं तो बढ़िया जगह है वहां पे, और लग रहे हैं सड़क से पानी लग रहे हैं और पूरे गांव के लिए सुविधा है पानी, अगर वहां पे लग गए तो भैया। अगर आप लोगों का ये काम नहीं होता तो आप क्या करेंगे? क्या बैठेंगे भैया? बैठे रहेंगे जब तक अगर पानी की सुविधा नहीं। आप लोगों के बीच में कोई जनप्रतिनिधि आया? हमारे बीच में तो कहा है, मैं तो मेंबर के पीछे नहीं। कोई यहाँ पर नगर निगम तो कोई बड़ा अधिकारी आया आपके पास मिलने अभी तक? हमारे पास कोई नहीं गए हैं, बस मशीन गए भैया, कल लौट के आए हैं, 2 बार लौट के आए हैं। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर लोग एकत्रित होकर नगर निगम में क्यों बैठे हैं? मेरा नाम राकेश यादव है, नगला विष्णु वार्ड नंबर 45 से मैं निगम पार्षद हूँ। वहाँ पर मैंने 15 वित्त में 12 पास कराया था, 14 वित्त में जो कि तत्वजी ग्राम सभा 13 में शामिल भैया कला खुर्द, वहाँ पर पानी की व्यवस्था तो पूरी तरफ से फ्लॉप थी, लेकिन यहाँ एक ट्यूबवेल लगने से नए से वहाँ की जनता में खुशी की लहर दौड़ी, तो वहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए महापौर जी ने आदेश किए। उससे पहले वहाँ पर मशीन पहुँची आज से 4 माह पहले, फिर उन्होंने उस मशीन को उठवा लिया वहाँ से और हमारे संग हाथ पाई हुई, हमें थाने में वहाँ की जो 4-5 लोग उद्यम करते हैं वहाँ, उन्होंने हमें थाने में बंद करा दिया। तो तुरंत मैडम ने ही हमको फ़ोन करके छुड़वाया और उसके बाद भी 4 महीने बाद मैं मैडम से पूछता रहा कि बहन जी कब तक न्याय नहीं दोगी, पार्षदों का ऐसे तो अपमान होता रहेगा। तो उन्होंने बहन जी ने तुरंत अभी 2 दिन पहले आदेश किया जीएम साहब को कि जाओ वहाँ पर ट्यूबवेल लगवाओ और कोई बात आए तो फोर्स लो। उसके बाद में अभी गड्ढा भी खुद गया, मशीन भी पहुँची, मशीन पहुंचने में कोई उद्यम नहीं हुआ, शांति प्रक्रिया से चल रहा था। जो 5-6 जने तत्व किस्म के जो बांधा डाल रहे सरकारी काम में, उन लोगों ने मैडम नूतन राठौर जी को आके भड़का दिया, कह दिया कि वहां दंगा फसाद होने जाना, एक आध तो मर जाएंगे वहां पर और तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का 2000 वोट कटा जा रहा है, जल्दी मशीन हटवाओ। एन जी ने ये तो देखा नहीं मौके पर कि वहाँ कोई भी उद्यम नहीं कर रहा है, इन्होंने मौके से मशीन हटवा ली। ये दूसरी बात पार्षद का अपमान और पार्षद के अपमान के साथ जमा की जनता का अपमान जिनको पानी मिलने जा रहा था और कई सालों से ये दूर दूर से 1 किलोमीटर की रेंज से पानी भर भर के मेरी बहन बेटी ले जाती है। अभी आप लोग नगर आयुक्त के रूम में गए थे, वहाँ पर कोई बात हुई थी क्या? हाँ बात हुई है, उन्होंने नगर उपायुक्त को और जीएम जलकल को मौके पे भेजा है और मैं तब तक उनसे कह दिया मैडम जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी मैं तब तक यहाँ से हटूंगा नहीं।